हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उद्यान विभाग और सैनिक कल्याण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने किसानों और सब्जी फल उत्पादकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लेकिन हमारा ये मानना है कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन है, उसको हम रोक सकते हैं तो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से रोक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं तो मिलेट्स के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए एप्पल मिशन में हमने ग्रांट को बढ़ाया है। हम 2,60,000 से अधिक पौधे फ्री किसानों को हम दे रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि पूर्व में एक पर्टिकुलर ब्रांड को सरकार निर्धारित कर देती थी कि आप इसी ब्रांड का जो है पौधा खरीदेंगे। हमने 100 से अधिक उन्नतिशील किसानों को देहरादून में बुलाया।